3, 2, 1, स्टार्ट। हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? वेरी 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 गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम आप इस सेशन को देख रहे हैं। तो आप सभी का अल्टीमेट सी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक स्पेशल पर्सन आए हुए हैं, एंड ही इज अभिषेक बासक, हु इज ऑल इंडिया रैंक 41 इन सी इंटरमीडिएट September 24। और मजे की बात यह है सर कि 2 दिन तक इन्हें भी नहीं पता था कि ऑल इंडिया रैंक, इन्होंने चेक ही नहीं किया था। अरे सो दैट्स अ फनी पार्ट ऑफ दिस, बट नाउ जोक्स अपार्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस अभिषेक भाई, तुमने बहुत अच्छा स्कोर किया। एंड ही हैज स्टडीड कॉस्टिंग फ्रॉम माई रेगुलर बैच एंड FMSM फ्रॉम एमवी सर बैच। तो एमवी सर, ओवर टू यू, आपका कहना चाहेंगे अभिषेक को। यस, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले हार्टिली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अभिषेक, है ना। AIR 41, इतने जो है डिफिकल्ट रिजल्ट्स आने के बावजूद जो है आपने सिर्फ पास नहीं किया, ऑल इंडिया रैंक स्कोर किया, ये बहुत बड़ी बात है, राइट। बोथ ग्रुप का जो रिजल्ट है आप सबको पता है, अराउंड 5.5% के आसपास है, और उसमें टॉप 50 में आना है ना, बहुत ही काबिले तारीफ है। एंड मुझे जो है हमने पहले AR 30, हमारा जगजीत सिंह करके है, AR 30, हमने उसका इंटरव्यू लिया। एंड उसके बाद जो है मुझे अभिषेक का मैसेज जो है कल रात को 10 बजे आया है टेलीग्राम पे, है ना। तो 30 अक्टूबर को हमारा रिजल्ट आया, और भाई ने जो है 2 दिन तक चेक ही नहीं किया कि ऑल इंडिया रैंक है कि नहीं। तो जो है मे भी पता नहीं होगा कि यार इतने मार्क्स में ऑल इंडिया रैंक आता है कि आ नहीं। तो जाती सबसे होगी। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको मतलब ये कैसे आपको पता चला कि यार लेट्स चेक कि AIR आया या नहीं। यस अभिषेक, मतलब मैंने टेलीग्राम में चैनल्स में सब देख रहा था, सबका मार्क्स 360 में भी सबका रैंक था 45 सब, तभी मुझे लगा अच्छा कि मुझे भी चेक करना चाहिए। अच्छा थ्री तो आपका सेवेंटी स्कोर, अभिषेक आपका टोटल स्कोर क्या आया है? थ्री फिफ्टी ओके, और कॉस्ट और FMSM में मार्क्स? सिक्स और 59। कॉस्ट में 56 और FMS हाँ 59, राइट? बाकी भी हाँ सब्जेक्ट से बता दीजिए मार्क्स आप। हाँ सारे सब्जेक्ट्स के। हाँ 1 मिनट, अकाउंट्स में 71, कॉर्पोरेट लॉ में 55, टैक्स में 63, कॉस्ट में 56, ऑडिट में 69 और FMSM में 59। ओके, ओके, बढ़िया 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 भाई। बहुत बढ़िया। तो अभिषेक भाई मुझे सबसे पहले बताइए, लेट्स टॉक अबाउट दी योर एक्सपीरियंस। एंड मैंने जो है आज सुबह जो है अभिषेक को कॉल किया, तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि सर हमने आपके बैचेस से पढ़ा है, तो मैंने बैकएंड पे जाके चेक किया पहले कि अभिषेक बसक कब इसने एनरोलमेंट वगैरह किया है। तो 6 जनवरी 2024 को इन्होंने मेरे FMSM के बैच में एनरोल किया था, एंड उसके पहले कॉस्टिंग में किया था। तो हमने जो है फिर वहां से इनको कॉल किया अभिषेक भाई को, तो उनके मॉम ने उठाया फोन, और मैंने उनके मॉम को भी कॉन्ग्रेचुलेट किया। एंड वो मुझे बता रहे थे कि सर इसने बहुत ज्यादा ही मेहनत की है और ये सब उसके मेहनत का फल है। तो अभिषेक आप प्लीज बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका CA इंटर की पढ़ाई का, एंड आपने क्या पहले ऐसा सोचा था कि मुझे AIR स्कोर करना ही है, या इस तरीके से सोच के आपने पढ़ाई की थी, या बस आप लगे रहे, प्लीज बताएं। ऐसा तो सोचा नहीं था कि AIR आ जाए, अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, ऐसा ही सोचा था मैंने। मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं था, मुझे खुद को पता नहीं था कि AIR आ सकता था। और मैंने इंटर का November 23 अटेम्प्ट था मेरा, तो अच्छा फाउंडेशन December 22 में क्लियर हुआ था। वो यूट्यूब से मैंने पूरा पढ़ा था, आप लोगों से ही, जब वो दूसरा चैनल सब सब पढ़ा तब तब की जी, बात है। हाँ, और मैंने दोनों अटेम्प्ट इसलिए स्किप किया क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, कॉलेज से आता था ना तो एक मतलब एक दो सब्जेक्ट ही हो पाता था, इसलिए तो मैंने दोनों अटेम्प्ट स्किप किया। हाँ तो आपने 2 अटेम्प्ट स्किप करने के बाद अभी September 24 में दिया, पहला अटेम्प्ट भी था मतलब आपका ये CA इंटर का, हाँ देखने पहली बार मैंने, के हाँ लिए पहली लिखा बार है। आपने अटेम्प्ट किया और आपका AIR आ गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और मैं चाहूंगा कि आप जो है ना अब मुझे बताइए कि कॉस्टिंग सब्जेक्ट के लिए जो है जब आपने प्रणव सर की क्लासेस जो है आपने एनरोल की, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, सर का आपको टीचिंग स्टाइल कैसा लगा, एंड सर ने जो क्लासेस में आपको करवाया, क्या एग्जाम में वो हेल्प आया, प्लीज बताएं। यस सर, वो बहुत हेल्पफुल था, मतलब अच्छे से पढ़ा देते सर, तो समझ में भी आता था और फन होता था क्लास में, और बोरिंग जैसा लगा ही नहीं कभी, दोनों आप दोनों के क्लासेस का। क्या बात है। तो सर जो क्लासेस में आपको लिखवाते थे, क्वेश्चन सॉल्व करवाते थे, तो आप हाँ क्लासेस देखने के बाद क्या घर पे भी उसको आके खुद से एक बार सॉल्व करते थे, मतलब किस तरह से आपकी पढ़ाई होती थी क्लासेस के साथ साथ। और जो सर ने मतलब अभी सम्स करवाए क्लासेस में वो तो हो ही जाता था, बाद में सर होमवर्क देते थे तो वो कर लेते थे, ऐसा था। ओके
ओके एंड देन बाद में आपने हमारे रिवीजन और मैराथॉन्स वगैरह देखे होंगे यूट्यूब पे, हाँ तो वो भी आपको हेल्प किए। तो हाँ बहुत हेल्प यूट्यूब में बहुत ज्यादा ही है मतलब। आप जो है जैसे एग्जाम्स के पहले अगर मैं बात करूँ, जैसे जो 1.5 डेज होते हैं एग्जाम्स के पहले, तो हाँ उसमें हाँ आपने प्री एग्जाम मैराथन देखा था कि आपने खुद की स्ट्रेटजी बना के आपने पढ़ाई की थी? नहीं मैंने नहीं देखा था एग्जाम, मैराथन खुद से ही पढ़ा था। अच्छा, तो आपने पहले से मतलब प्लानिंग करके रखी थी कि हाँ 1.5 दिन में पूरे सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं? हाँ और होता तो है नहीं पूरा सिलेबस, पर प्लानिंग तो कर रखी थी मैंने। ओके 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 यस, ओवर टू यू प्रणव सर। या अभिषेक, पहले मैं जानना चाहूंगा कि FMSM आपके जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का मिक्स है, और ये आपने सबसे आई थिंक सबसे लास्ट में क्लास करी FMSM की, राइट? हाँ तो ओवरऑल आपका वो भी न्यू सिलेबस की क्लासेस आ गई, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका FMSM का MV सर के साथ? FMSM मतलब जब भी मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा था तो मैंने सोच ही लिया था कि MP सर से ही पढ़ना है FMSM दोनों, कि थियरी भी अच्छा पढ़ा रहे थे पूरा इकोनॉमिक्स, मतलब दोनों बैलेंस करके पढ़ा रहे थे प्रैक्टिकल और थियरी, तो बैलेंस मेंटेन करना अच्छा था, तो उसमें अच्छे से पूरा क्लासेस हुआ और समझ में भी आता था, एंटरटेनमेंट भी था, वैसे सब हो गया वैसे इसमें। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में रिटेन करना मुश्किल होता है, तो फिर हाँ आप कैसे करते थे, और क्या सर ने आपको कोई ट्रिक्स एटसेट्रा बताई थी? हाँ सर ने तो बुलाया था कि जितना हो सके उतना रिवीजन करते रहो, रोज एक एक घंटा पढ़ो FM को, मतलब पूरा तो जब तभी आके रिटेन होगा। ओके अच्छा, मैं कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछूंगा भाई कि आपके घर में कौन कौन है और आपने कैसे CA करने का डिसाइड किया? अच्छा तो मेरे घर में अभी मेरी मम्मी और दादी है, और मैं CA मई में डिसाइड किया था कि तभी करूंगा, जब BCom मतलब FY BCom मेरा तभी। अच्छा, BCom आपने पहले तो शुरू कर लिया, देन यू हैव डिसाइडेड दिस, तो हाँ। आपने मतलब डायरेक्ट एंट्री नहीं किया, आपने फाउंडेशन रूट से ही पढ़ाई की। हाँ। BCom के साथ साथ ही मैंने किया। पर आपने जैसे बोला था कि फाउंडेशन में आपने MV सर से पढ़ा था, तो आपने डिसाइड कर लिया था, तो आप हाँ अल्टीमेट टीम के बारे में या मुझ मेरे MV सर के बारे में आपने फर्स्ट टाइम कैसे आपको पता चला था कि हम दोनों हैं टीचर्स कोई? YouTube में जैसे मैं सर्च करते रहता था ना, तो ये सब्जेक्ट का मतलब रिवीजन मिल जाए वीडियो सब, तभी जाके मुझे पता चला था कि आप दोनों बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, तब रिव्यूज मिले थे। ओके, और आपको फाउंडेशन में हमारे वीडियोस से हेल्प मिली थी फिर, रिवीजन वीडियोस? हाँ वही उसके वजह से ही पास हुआ ना, मैं खाली मतलब वही यूट्यूब से ही पूरा पढ़ा है मैंने दो फाउंडेशन का दोनों। अच्छा ओके। अब क्योंकि देखो यार, क्लासेस सब लोग सेम करते हैं, ठीक है, सारे बच्चों को हम एक जैसा पढ़ाते हैं, बट क्लासेस खत्म होने के बाद और एग्जाम से पहले तक का जो फेज होता है, जिसमें हमको खुद अपनी प्लानिंग करनी होती है और खुद अपनी तैयारी करनी होती है, वही डिफरेंस क्रिएट करता है बच्चों के लिए। ऑब्वियसली हम गाइडेंस दे रहे हैं, उससे आपको आइडिया लग गया है, बट उन 2, 3, 4 महीनों में आप क्या कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। तो आपका जो सेल्फ स्टडी फेज था, मतलब क्लासेस के अलावा जो आप पढ़ते थे, उसमें आपने एक शॉर्ट में बताइए कि आपने कैसे प्लानिंग करी थी सब्जेक्ट वाइज, और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया था, और जो सोचा था वैसे हो पाया था, और अगर नहीं हुआ था तो आपने क्या किया था? मतलब मेरा 1 महीने पहले ही खत्म हो गया था सिलेबस, मतलब दोनों ग्रुप का सिलेबस, जो अगस्त में मैंने सोचा था पूरा रिवीजन करूंगा खुद से ही करूंगा, जहाँ डाउट लगे मैं वहाँ मतलब यूट्यूब में रिवीजन तो है आप लोगों के, तो वो देख लेता था। और प्लानिंग तो मैंने किया था कि कर लूंगा अगस्त में, थोड़ा बहुत बाकी रह गया था तो मतलब हो गया वो अभी। क्लास अच्छा, तो आप बोल रहे हो 1 महीने पहले आपने क्लास खत्म करी थी या रिवीजन के साथ खत्म करी? खत्म करी दोनों ग्रुप, तो और ग्रुप 1 महीने वन का खाली आपने अभी रिवाइज रिवीजन, किया। हाँ खाली ग्रुप वन का मतलब 2 बार हो गया था रिवीजन, और ग्रुप टू का 1 ही बार रिवीजन हुआ है अगस्त अच्छा, में तो जो हुआ था। आपने 1 महीने में तो देखा जाए अच्छा खासा रिवीजन कर लिया फिर उससे। हाँ बहुत ज्यादा ही। अच्छा, मैं सबको बता दूं कि अभिषेक ने जो है FMSM जो है जब मुझसे पढ़ा, तो उन्होंने फास्ट ट्रैक बैच में एनरोल किया था, ठीक है, उन्होंने कॉस्टिंग का रेगुलर बैच किया था, लेकिन उनके पास फिर ग्रुप टू की पढ़ाई के लिए बहुत कम समय बचा टाइम था, तो उन्होंने फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन किया। तो बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसा पूछते मुझे कि सर फास्ट ट्रैक बैच में ऐसा तो नहीं होगा कि हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को स्किप कर देंगे, या कुछ हमें मतलब कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी? तो यार मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि फास्ट ट्रैक में ऐसा कुछ आपको कभी लगा कि हमको हमारा कुछ कम तो नहीं हो रहा है, या मतलब इससे मुझे एग्जाम में हेल्प होंगे या नहीं? कैसा आपका एक्सपीरियंस है फास्ट ट्रैक बैच का? फास्ट ट्रैक में तो पूरा ही कॉन्सेप्ट सभी क्लियर था, सभी पढ़ा दिया था, खाली सम्स मतलब खुद से हम लोग को ज्यादा करना था, सर ने बोल दिया था पहले ही। हाँ, हाँ तो और अभी मतलब सर ने एक्चुअली दिखा भी दिया था आपने सर, मतलब कि ये सब ऐसा सम्स है ये कर लेना, मतलब इम्पोर्टेंट है, सब बता दिया था आपने। जी 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 बट जी फाइनल पॉइंट ये है कि क्या देखो, तुमने सोचा होगा फास्ट ट्रैक लगाने का कि मेरे पास टाइम कम है, तो क्या तुम्हारा हाँ ये डिसीजन कि रेगुलर की जगह फास्ट ट्रैक लेना, ये तुम्हारे लिए यूजफुल प्रूव अभी तो पास हो गया तो यूजफुल ही हुआ, मतलब मैंने तो हुआ? सोचा तो था कि हो जाएगा, तो अभी तो यूजफुल ही था। सही है सही है सही है।
अच्छा अभिषेक, मुझे बताइए, आप जो है अगर जैसे आपका तो ऑल इंडिया रैंक अभी आया है, ठीक है ना, तो आप अगर हर एक सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक दो टिप्स अगर आप दे दें, राइट, तो मैं क्विकली आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल एडवांस अकाउंट्स, तो आप उसमें जो भी अभी जो स्टूडेंट्स अभी जनवरी 25 में या बाद में एग्जाम्स देंगे, उनको आप कुछ भी अगर टिप दे सके पढ़ाई से रिलेटेड, हम सब्जेक्ट वाइज चलेंगे, पहले एडवांस अकाउंट्स का बताइए कि क्या आपकी तरफ से टिप होगी उसके लिए। एडवांस अकाउंट मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो उसमें प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है उसमें, मतलब लिख के करना पड़ता है सॉल्व, जो सब ऐसे ही मतलब देख देख के जाते हैं, तो वो बिल्कुल चलता नहीं, लिख के करना ही पड़ता है पूरा एडवांस अकाउंट में, तो ये टिप देगी। ओके, एंड देन नेक्स्ट जो है हमारा लॉ का जो सब्जेक्ट है उसके लिए क्या टिप रहेगी आपकी? लॉ में तो पहले सब समझना पड़ेगा, उसमें टाइम देना पड़ता है, बाद में सब याद करना वो एक चैलेंज होता है, तो रिटेन करना है तब बार बार रिवाइज करके वही रिटेन हो सकता है लॉ और थियोरी तो सब्जेक्ट में। आप उसमें लिखते थे डेली, जो मतलब कोई डेली एक कोई क्वेश्चन लिख के सॉल्व करते थे, कैसे करते थे मतलब आप? हाँ लिख के मतलब इतना क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करा, टाइम नहीं मिला था मुझे, तो मैंने ज्यादा पढ़ा ही था खाली, और कुछ किया नहीं था मैंने। अच्छा, तो मैं एक और चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, क्या आप आपका जो है 10th 12th में भी आप एकदम मेरिट स्टूडेंट थे, 90+ मार्क्स आपको पहले से आते थे, ऐसा कुछ है? प्लीज बताएं। मतलब 90 तो नहीं आता था, 80 85 तक आ जाते थे ट्वेल्थ ओके में। ओके, तो मतलब मैं एक्चुअली ये चीज ना बाकी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं कि हम पहले मेरिट स्टूडेंट थे तो ही ऑल इंडिया रैंक आ सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको सीए फाउंडेशन के भी मार्क्स अगर आपको याद हो अप्रोक्स कि आपको 400 में से लगभग कितने आए थे, अगर आप शेयर कर सके, टू हाँ 400 में 253 के आसपास कुछ ही आए थे, इतने ज्यादा फिफ्टी मार्क्स नहीं थ्री आए है थे। ना? अब देखिए यही सेम चीज, अब बच्चों को क्या लगता है ना कि सर हमें सीए फाउंडेशन में 300+ आएंगे या हम वही वैसे हम इंटर में रैंक भी ला सकते, ब्रेक रैंक ला सकते हैं, तो ये सारे मिथ्स को आज जो है अभिषेक ने तोड़ दिया है कर ना। दिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ टैक्सेशन सब्जेक्ट के लिए, भाई टैक्सेशन बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है ना, डीटी आईडीटी दोनों पढ़ना है बच्चों को, तो कैसे यार मतलब उसको कैसे कवर करें, आपकी क्या टिप रहेगी? मेरी यही टिप रहेगी कि मेन जो 1.5 दिन पहले एग्जाम है उसका प्लानिंग अभी से ही कर लो, मतलब बहुत इतना लंबा है कि कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही उसमें, टैक्सेस दोनों टैक्स मतलब जीएसटी इनकम टैक्स में, तो पहले भी प्लानिंग करना है, उसमें प्रैक्टिस भी करना जरूरी है बहुत। तो आप जब प्लानिंग करते थे तो उसको कहीं कोई पेपर में हमने लिख के रखा था कि भैया मुझे, नहीं नोट्स में मैंने मतलब ऐप से था ना मोबाइल में नोट्स, उसमें मैंने लिखा था, मतलब पेपर में नहीं लिखा अच्छा था। ओके, मतलब नोट आपने करके रखा, तो आपने ऐसा हाँ किया था कि मतलब इस हाँ चैप्टर को इतने घंटे में खत्म करना है, देन इस चैप्टर को। हाँ हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और टैक्सेशन हो गया, नेक्स्ट अगर हम ग्रुप 2 की बात करें कॉस्टिंग सब्जेक्ट ले, कोई आपकी टिप्स आपकी तरफ से कि क्या उसमें आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यूज भी हेल्पफुल होते हैं क्या, उसको भी आपने क्या हाँ लिख के सॉल्व किया था, आप बताएं प्लीज। वो आरटीपी एमटीपी का तो सर ने, प्रणव सर ने उस सेशन लिया था, कितना था यूट्यूब में पूरा फ्री डाल दिया है, तो वो बहुत हेल्पफुल था, मतलब उसकी वजह से ही मैं लगता है पास हुआ कोचिंग में। क्या हाँ आपने फोकस बैच ज्वाइन किया था क्या यूट्यूब में? हाँ वही, हाँ यूट्यूब में फोकस बच्चों बैच को बता दो, बहुत काम फोकस आता बैच में वो। मैंने जो सिलेक्टेड पीवाईक्यू आरटीपी होते हैं इनमें हाँ कुछ स्पेशल पॉइंट होते हैं, उनको कम से कम टाइम में यूट्यूब पे करवा दिया था, ताकि हाँ कई बार क्या होता है बच्चे खुद से नहीं कर पाते तो कम समय में उनके लिए काफी यूजफुल प्रूव होता है वो। हाँ हाँ मैंने जब वो सर का जो है ना, उन्होंने आई गेस पहले या दूसरे सेशन में कुछ तो भी पीडीएफ शेयर किया था आप लोगों के साथ, मैंने भी सर का सेशन देखा था वो, प्रणव सर का, तो उसमें जो है उन्होंने लिटरली मतलब उसमें लिखा हुआ है कि आरटीपी का ये क्वेश्चन नंबर और इसमें क्या स्पेशल पॉइंट है, उसका अलग से कुछ पीडीएफ आपने सर बनाया था, है ना? समरी समरी तो ये बहुत एनालिसिस ही टेलीग्राम में मुझे शेयर लगता है, किया था वो। आरटीपी हाँ तो पीवाईक्यू मतलब एनालिसिस, वो तो हाँ मेरी टीम हाँ से लेके अभी तक का सारा उसमें डाल दिया, ताकि बच्चे हाँ को ये टाइम वेस्ट ना हो कि मैं ऐसा ही क्वेश्चन देख लूं जो स्टडी मैट में, तो कोई मतलब नहीं है ना, हाँ जहां स्पेशल पॉइंट है से वही देखना है ऐसा। नहीं तो ये देख के फिर मुझे लग रहा था भाई अब मुझे भी बनाना पड़ेगा प्रणव सर की वजह से। पेपर 5 ऑडिट में क्या कहोगे आप? ऑडिट में मतलब सबको बहुत हार्ड लगता है ऑडिट, मतलब इतना सारा याद करना मतलब बहुत ही जी मुश्किल, तो मैंने उसमें लिखा बहुत था, प्रैक्टिस बहुत किया था ऑडिट की क्वेश्चंस की, अच्छा अच्छा हर एक दिन दो दो बहुत क्वेश्चंस करता ही था, मतलब लिख के तभी जाके अच्छी हो जाता बात था अच्छे से डिटेल। यार, पर मैं एक बात बताता हूँ कि क्या होता है ना कि क्लास में हम जैसे हम क्लास में पढ़ लेते हैं ठीक है ना, क्लास में समझ में भी आ जाता है, पर लिखने में ही प्रॉब्लम आता है ना, हाँ कि वो प्रॉब्लम मतलब आता ही है। तो आप मतलब
हम जब स्टूडेंट्स को बोलते हैं ना कि यार रोज आप लिखो रोज आप लिखो, तो उनको ना तब ऐसा कुछ बच्चे ना लिखना चालू ही नहीं करते। मतलब मैं चाहता हूँ आप ये बताएं कि ऐसा ही होता है ना कि स्टार्टिंग में जब हम लिखते हैं, इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं लिखना, तो स्टार्टिंग में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में चीजें याद नहीं आएंगी, लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली वो डेली बेसिस पे करते रहेंगे तो एक पॉइंट के बाद आप बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। क्या ऐसे ही होता है अभिषेक भाई? हाँ मतलब लिखना तो बहुत, मतलब जब भी स्टार्टिंग करेंगे तो मुश्किल लगेगा कि पहला दूसरा क्वेश्चन लिख रहे तो नहीं जम रहा है, मतलब ऐसा रेगुलरली करेंगे तो होते रहेगा। और मैंने लॉ में मैंने इतना लिखा नहीं था, तो फिर भी मुझे मतलब एग्जाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हुआ था लॉ में, तब लिखना जम नहीं रहा था, एक दो क्वेश्चन ऐसा हुआ था। और ऑडिट में तो मेरा अच्छा गया था, मतलब दोनों थियोरी सब्जेक्ट्स में, तो इसलिए लिखना इम्पोर्टेंट है मतलब। और फाइनली यार एफएमएस एफएमएस से प्रैक्टिकल और थ्योरी सब्जेक्ट का एकदम खतरनाक नहीं, कॉम्बिनेशन है, पचास हाँ पचास मार्क का है दोनों, तो उसमें बताएं क्या आपकी टिप्स रहेंगी हमारे स्टूडेंट्स के लिए, प्लीज बताएं। मैंने एफएम और ऐसे मतलब दोनों ऐसा कि नहीं कि पूरा एफएम एक साथ किया था, डेढ़ दिन पहले की बात है, मतलब एफएम करता था एक दो चैप्टर, बाद में एसएम का भी एक दो चैप्टर कर लेता था, तो दोनों मिक्स करके पढ़ता था मैं, तो दोनों सब पूरा मिक्स ना हो जाए कि पूरा एक साथ थियोरी पढ़ रहा हो या पूरा एक साथ प्रैक्टिकल कर रहा हो, तो मुझे जमता नहीं था वैसा, तो इसलिए मैंने पहले एफएम थोड़ा करता था एक दो चैप्टर, बाद में एसएम करता था, तो ऐसा हो जाता था। ओके, तो आपने उसमें कंपाइलर जो है हमारी क्वेश्चन बैंक वो यूज किया था पढ़ाई हाँ करते वक्त? हाँ पूरा किया था मैंने यूज पूरा किया था। सब आप क्वेश्चन, हाँ आपने आप बता सकते हैं आपने कितनी बार सॉल्व किया था कंपाइलर एक को? ही बार करने में सर कितना टाइम लग जाता है, वो कितना मोटा बुक है वो एफएम का बट तो कुछ मुझे नहीं बताइए, है। आपने जब पहली बार सॉल्व किया, एक ही बार आप जब हाँ बोल रहे हैं, तो उसमें पर आपने हाँ मार्किंग तो की होंगी ना भाई हाँ की? मार्किंग क्या था एग्जाम के पहले ये देख के जाना, मैंने वो कर दिया था मैंने हाँ मार्किंग, ये हाँ जरूरी वो है इम्पोर्टेंट है। हाँ ना, वरना क्या है कि आप चार हाँ पांच बार भी कर लो, लेकिन कुछ बच्चे जो है ना पूरी बुक ही हाँ कोरी रहते हैं, वो लिखते ही नहीं उस पे, है ना, कुछ मार्किंग नहीं हाँ करेंगे तो पता कैसे चलेगा एग्जाम के पहले क्या करना है। हाँ वही वो ऑब्वियसली जैसे इम्पोर्टेंट आप बोल रहे हैं, जैसे एफएम का तो कंपाइलर सबको पता है, बहुत मतलब बहुत बड़ा है वो कंपाइलर, लेकिन अब मेरी भी मजबूरी है, मैं चाहता हूँ कि हर एक प्रकार का क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने पूछा है हाँ वो स्टूडेंट के पास अगर होगा चैप्टर वाइज तो उसको ही हेल्प होगी उस चीज से, है ना। हाँ तो ये बहुत अच्छा है, आपने सब मार्किंग करके पहले से रखा था। अच्छा मुझे बताया आपने क्या कोई मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे पहले? मतलब आपने या तो कहीं पे ज्वाइन किया था, या तो आपने खुद से मैंने पूरा 3 घंटे पेपर लिख के प्रैक्टिस किया था, या कैसे, प्लीज बताएं। मतलब मॉक टेस्ट एक ही दिया था जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ज्यादा मॉक टेस्ट देना चाहिए क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैंने पहले ही आपको बताया ओके मतलब कि 2 महीना ही टाइम था ग्रुप टू क्लियर करने का, तो मतलब जो 10 दिन थे पहले एग्जाम के तो मैंने उसमें मॉक टेस्ट ही दिए, एक मॉक टेस्ट जी ही दे पाया मैं खाली, और 5 दिन उसमें अकाउंट्स को दिए थे, ओके और अभिषेक मॉक टेस्ट एक ही बार मतलब पूरा 3 घंटे बैठ के लिखा था खाली, एक ही अच्छे भाई से एक गया बात मतलब उसमें बताओ, मॉक टेस्ट। तुम हाँ काफी बार तुमने रेफर किया इस चीज को कि टाइम बहुत कम था, तो बिकॉज यू हैव, तो हाँ हाँ बीकॉम का तुम्हारा टाइमिंग है क्या, मतलब कितने घंटे तुम्हें जाना पड़ता है मतलब कॉलेज? सुबह मतलब 6 बजे मैं निकलता था घर से और 12 बज जाते, 12:30 घर आते आते, मतलब खाली मतलब ठीक दोपहर का ही टाइम मिलता था और शाम का टाइम मिलता था मुझे। है ओके। तो तुमने मतलब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे होते हैं और उनको 6-7 घंटे उनका कॉलेज में जाता है, तो हाँ कभी कभी कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बोलते हैं कि सर मैं मेरा कॉलेज अच्छा है और उसमें टाइम बहुत ज्यादा है, तो क्या मैं एक एक ग्रुप करके दे दूं या अटेम्प्ट स्किप करके दे दूं, तो मुझे लगता है दोनों ही अप्रोच सही है, क्योंकि यहाँ पर अभिषेक ने जो अप्रोच यूज करी कि उन्होंने बिकॉज ऑफ द कॉलेज वो एट अ टाइम 2 ही सब्जेक्ट पढ़ पा रहे थे, तो उन्होंने अपना समय लिया, उनने 1 साल लेट किया लेकिन वो ऑल इंडिया रैंक ही लेकर आए, पर उन्होंने कॉलेज भी मैनेज कर लिया और क्लासेस भी मैनेज कर ली, मतलब अपने आप को आपने फोर्स नहीं किया कि यार मेरा कॉलेज है फिर भी मैं एक बार में निकाल लूं, वरना क्या होता है कि हम उस लूप में फंस जाते हैं कि मुझे एक ही बार में निकालना है, कॉलेज भी मैनेज नहीं हो रहा, तो आपने मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में दोनों को मैनेज किया, ये बहुत अप्रिशिएबल चीज है, और अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट भले स्मॉल पोर्शन है बट उनकी आपके जैसी परिस्थिति होती है, तो आप उनको ना टाइम मैनेजमेंट के लिए एक टिप बता दो कि जिनका बीकॉम रेगुलर है और जिनको जाना भी पड़ रहा है, उनको सीए इंटरमीडिएट को कैसे मैनेज करना चाहिए, ये गाइडेंस आप दीजिए जूनियर्स को। हाँ मतलब कॉलेज तो मतलब मैंने सोच लिया था कि अभी कॉलेज चल रहा है तो पूरा कंप्लीट ही कर लेता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत मैं ऐसा पढ़ते रहता था, मतलब इंटर का भी मतलब थोड़ा थोड़ा होते रहता था, एक दो सब्जेक्ट निकलता रहता, तो टाइम उसमें मैनेज करना बहुत हार्ड हो जाता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि स्किप ही कर देता हूँ अभी दोनों टाइम। और जब भी मई 24 में नया सिलेबस आ गया सोचा था तभी दूंगा, पर नया सिलेबस आ गया तो मुझे वापस नया नया सब पढ़ना पड़ता था ना, हाँ जो पुराना पढ़ा था वो काम नहीं आएगा, अकाउंट्स में तो पूरा ही चेंज हो गया था, इसलिए मेरा मई 24 भी स्किप हुआ अकाउंट्स की वजह से मेरी। ओके और तो आप एसेंशियली बेसिकली एक अटेम्प्ट स्किप करते तो भी चल जाता, लेकिन बिकॉज उसी समय न्यू सिलेबस आ गया इसलिए हाँ आपको वो इसलिए एक्स्ट्रा हाँ एफर्ट थोड़ा लग गया। प्रॉब्लम बढ़ गई थी। हाँ
एमवी सर आपके अच्छा, बोल रहे थे। एक और चीज जो बच्चे पूछते हैं, भाई दिन में कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे जब आपका सब क्लासेस हो गई खत्म, ठीक है ना, फिर मतलब जब सेल्फ स्टडी का टाइम था, तो आप दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? मैंने ऐसा कुछ गिना नहीं है पूरा कितना घंटा पढ़ता था। मतलब सुबह उठ के, मतलब इतना जल्दी नहीं उठता था, 8 बजे उठता था मैं, बाद जी में सब फ्रेश होके बाद में वापस से पढ़ने बैठता था 11 बजे में, बाद जी में 12 एक बजे खाना खाता था, बाद में दोपहर को थोड़ा 1-2 घंटा टाइम पास ही करता था मैं, बाद में क्या शाम बात को है, पूरा क्या रात तक पढ़ता था, बस ऐसा है। दोपहर आदमी को मतलब मैं पूरा है। टाइम नहीं, पास ही करता ही था, ऐसा है। पर ये भी बहुत जरूरी है, और हम भी स्टूडेंट्स को बोलते कि देखिए, ऑब्वियसली ये जो एग्जाम प्रिपरेशन जो है ना, बहुत ही सब्जेक्टिव चीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अभिषेक ने जो बताया कि ऐसा नहीं कि दिन में बस 16 घंटे 18 घंटे पढ़ना है तो ही हम रैंक ला सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, इन्होंने फिर मॉक टेस्ट का भी जो मिथ है वो भी तोड़ा, कि जरूरी नहीं कि मॉक टेस्ट दी हमने दिया 2-3 तो ही हम रैंक ला सकते हैं, ये नहीं, भी। पर जरूरी है दोनों देना, दो हाँ नहीं, तीन तो कम देना से कम तो देना चाहिए। ऑब्वियसली देना जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मेरा पॉइंट क्या है कि सबके लिए हम सेम चीज बोले ऐसा जरूरी नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ, है ना, कि जैसे आपके हाँ लिए ये स्ट्रेटेजी वर्क कर गई, पर जरूरी नहीं कि हाँ बाकी लोगों के लिए भी करे, तो करेक्ट, सबका सही अपना बात अपना असेस है। करना जरूरी है। अभी जैसे ये बोल रहे हैं कि सुबह ही 8 बजे उठते थे, तो मुझे लगता है कि दिन में ही आप पढ़ते थे ज्यादा, रात को नहीं पढ़ते थे ना। कुछ बच्चे होते हैं कि जो रात को पढ़ते हैं, दिन में जो है थोड़ा लेट उठते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मुझे बताइए, एक जो है मैं लास्ट चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैंने जब कॉल उठाया, मैंने जब मैंने आपको कॉल किया था, तो आपकी मॉम ने फोन उठाया, और एक ना मतलब मुझे बहुत ही खुशी लग रही थी उनके अंदर की, और मतलब वो बहुत ही ऐसा प्राउड फील कर रही थी आपके लिए, वो खुद से सामने से बता रही थी जब मैंने उनको बोला कि अभिषेक का ऑल इंडिया रैंक आया, बहुत बड़ी बात है, तो वो खुद ही मुझे बता रहे थे कि सर उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है, और हम भी उसको ये अभी 2-3 दिन से यही बोल रहे थे कि ये सब मेहनत का रंग है ना, मेहनत का फल है ये, राइट। तो आप मुझे बताइए कि आपके जो मॉम है, आपकी दादी, उनका कैसा सपोर्ट रहा आपके साथ ये पूरे इस जर्नी में, क्योंकि आपने एग्जाम्स में बीच में अटेम्प्ट भी स्किप किए है ना, तो हो सकता है कि आपके मम्मी बोलते हैं कि यार ऐसा क्यों कर रहा है, नहीं, तो मुझे उल्टा सपोर्ट किया था कि चलेगा कोई बात नहीं, आराम से पढ़ ले, जब भी नहीं हो रहा है तो अभी अगला ही अटेम्प्ट दे दे, पूरा पूरा अच्छे से पढ़ के ही अटेम्प्ट देना, नहीं हो रहा है तो स्किप कर ले वाला, ऐसे बोला था उन्होंने। क्या बात फैमिली है, सपोर्ट साथ में हाँ रहने से हमें और पॉजिटिव फीलिंग रहती है कि चलो हाँ भाई, व्हाट वी आर डूइंग इज फाइन बिकॉज अवर पेरेंट्स आर विद अस। बहुत अच्छी बात है यार, अमेजिंग। अभिषेक, बहुत अच्छा लगा आपसे, हाँ और मैंने देखा कि सिचुएशन आपके लिए डिफिकल्ट थी, लेकिन आपने देखा कि भाई मुझे क्या क्या करना है, और आप करते रहे, और आपने बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस लिए कि भाई न्यू सिलेबस आया है तो आपको नई चीजों की एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी, एंड अकॉर्डिंगली आपने स्किप किया। सो दैट्स वेरी ग्रेट कि आप बड़े डिसीजन लेने में झिझकते नहीं हो, पर अपना तरीका खुद डिसाइड करते हो, अपना पाथ खुद बनाते हो, इसी को बरकरार रखना, क्योंकि लाइफ में ये चीज काफी हेल्प करती है आगे भी जाके आपके करियर में, जब आप या तो बिजनेस या जॉब या कुछ भी करेंगे तो अपना जो स्टैंड है वो रखते हो, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा अभिषेक। एनी अदर थिंग एमवी सर यू वांट टू नो आस्क? सर, डन, आई गेस कि अभिषेक ने सब कवर कर ही लिया है। सो अगेन थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन अभिषेक, एंड थैंक यू जो है आपने जो रैंक लाया, ऑब्वियसली आपने हमारी क्लासेस देखी है, लेकिन मैं पहले भी मैंने ये चीज़ बोली है हमारे जो पहले जो अभी AR थे, कि देखिए हमने तो क्लासेस सबके लिए इक्वली ली है, राइट। ऐसा नहीं कि मैंने आपके लिए कोई अलग से वीडियो बना के आपको अलग से सेंड किया, ऐसा तो नहीं है। आप हमने जो क्लासेस बनाए सबके लिए सेम बनाई है, लेकिन ऑल इंडिया रैंक सबका नहीं आता है, तो आपका ऑल इंडिया रैंक लाया आया है, तो दिस शोज कि आपने खुद से भी कितनी ज्यादा मेहनत की है, राइट। आपके आपके फैमिली ने, आपने इतने ज्यादा एफर्ट्स लिए हैं, इसके वजह से आपका ये रैंक आया है। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड मैं चाहूंगा कि अब आप CA फाइनल में जो है उसमें भी आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो, आप बहुत अच्छे CA बने, राइट। एंड थैंक यू आगे भी सर। आपको कभी भी अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए, प्लीज हमें बताएं, है ना, जो भी हमसे पॉसिबल रहेगा हम हर चीज में आपके जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है ना भाई। ऑल द थैंक यू सो बेस्ट। मच, थैंक यू। थैंक यू सर।